अध्यापक पात्रता परीक्षा यानी कि टेट, टेट और सीटेट के लिए मोस्ट क्वेश्चन हम दे रहे हैं जो एजुकेशन से रिलेटेड यानी कि आते रहते हैं। क्वेश्चन है विश्वविद्यालय शिक्षा आयोग के अध्यक्ष थे डॉक्टर राधाकृष्णन, माध्यमिक शिक्षा आयोग के अध्यक्ष थे डॉक्टर लक्ष्मण स्वामी मुदालियर, नेक्स्ट है राष्ट्रीय शिक्षा आयोग के अध्यक्ष थे डॉक्टर दौलत सिंह कोठारी, नेक्स्ट है सन 1961 में राष्ट्रीय एकता सम्मेलन किसकी अध्यक्षता में हुआ, डॉक्टर संपूर्णानंद की। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारतीय संविधान ने किस आयु तक की शिक्षा को निःशुल्क और अनिवार्य घोषित किया है, 14 वर्ष तक की आयु के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है विश्वविद्यालय शिक्षा आयोग के अध्यक्ष डॉक्टर राधाकृष्णन, राष्ट्रीय एकता का प्रमुख बाधक तत्व है जातिवाद, राष्ट्रीय एकता हेतु 1961 में सम्मेलन हुआ जिसके अध्यक्ष थे डॉक्टर संपूर्णानंद। नेक्स्ट है भारत में बेरोजगारी की समस्या का हल संभव है व्यावसायिक शिक्षा द्वारा। नेक्स्ट है शिक्षा के उद्देश्य को निर्धारित होना चाहिए भारत की वर्तमान परिस्थितियों के अनुसार। नेक्स्ट पॉइंट है राष्ट्रीय शिक्षा आयोग के अध्यक्ष डॉक्टर दौलत सिंह कोठारी। नेक्स्ट है शिक्षा के उद्देश्य को निर्धारित होना चाहिए धर्म के अनुसार। शिक्षा के वैयक्तिक उद्देश्य का तात्पर्य होना चाहिए सर्वांगीण विकास। नेक्स्ट है भारत की वर्तमान परिस्थिति में शिक्षा का प्रमुख उद्देश्य होना चाहिए व्यावसायिक उद्देश्य। नेक्स्ट है शिक्षा का उद्देश्य निर्धारण होना चाहिए भारत की वर्तमान परिस्थितियों के अनुसार, शिक्षा का भी उद्देश्य निर्धारित होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है किसी भी देश काल में शिक्षा के उद्देश्य का निर्धारण उस देश काल की समस्त परिस्थितियों को ध्यान में रखकर किया जाना चाहिए। नेक्स्ट है वर्तमान में भारत की अर्थव्यवस्था तथा रोजगार की स्थिति जो है बहुत दयनीय है, यानी उसके लिए शिक्षा को भी रोजगार परक बनाना चाहिए। नेक्स्ट है स्वतंत्र भारत में शिक्षा के उद्देश्य को निर्धारित करने के लिए प्रमुख शिक्षा आयोग का उल्लेख कीजिए। तो पहला है स्वतंत्र भारत में गठित किए गए मुख्य शिक्षा आयोग हैं विश्वविद्यालय आयोग 1948 में, नेक्स्ट है माध्यमिक शिक्षा आयोग 1952-53 में, राष्ट्रीय शिक्षा आयोग 1964-66 में गठित किया गया।